हेलो एवरीवन, मैं विकास कुमार आप सभी का स्वागत करता हूँ टेक चैनल पे। और आज की इस वीडियो में हम लोग चैप्टर 7 मैकेविटी द मिस्ट्री कैट, ठीक है, एक पोयम का चैप्टर है मैकेविटी। मैकेविटी का मतलब, मैकेविटी एक इमेजिनरी कैरेक्टर है, फिक्शन फिक्शन काइंड ऑफ थिंग है, जिसमें कि इसको एक बहुत बड़ा क्रिमिनल माना जाता है, ठीक है। और यहाँ पर वो क्रिमिनल क्या है, एक कैट है, एक बिल्ली है, मिस्टीरियस बिल्ली, रहस्यमय बिल्ली, ठीक है। तो इसके पोएट कौन है, टी एस इलॉट। तो पहले चलिए थोड़ा टीएस इलॉट के बारे में पढ़ लेते हैं, फिर उसके बाद समरी देखेंगे, फिर उसके बाद लाइन बाई लाइन रीडिंग करेंगे। तो थॉमस स्टीयंस इलॉट 1888 to 1965। थॉमस स्टीयंस इलॉट जो है, जिनका मतलब जन्म 1888 में हुआ था और मृत्यु 1965 में हुई थी, वॉज बॉर्न इन संत लुइस मिशोरी यूएसए। उनका जन्म कहाँ हुआ था, मिसौरी यूएसए में, बट इवेंचुअली सेटल इन इंग्लैंड। लेकिन किसी कारणवश उन्हें इंग्लैंड में सेटल होना पड़ा। अ क्लासिस्ट इन लिटरेचर, साहित्य के मामला में बहुत ही मतलब अच्छे। एंड एंग्लो कैथोलिक इन रिलीजन, और धर्म में एंग्लो कैथोलिक। एंड रॉयलिस्ट इन पॉलिटिक्स, और पॉलिटिक्स में भी एक बहुत ही रॉयल आदमी थे। ही रोज टू बिकम वन ऑफ द ग्रेटेस्ट पोएट्स ऑफ द 20th सेंचुरी। वह उठे और एक बहुत महान 20वीं शताब्दी का एक विख्यात कवियों में से एक थे। ही वॉज ऑल्सो ए डिस्टिंग्विश्ड क्रिटिक एंड अ ड्रामाटिस्ट। और इसके साथ साथ वे एक बहुत ही अलग क्रिटिक मतलब क्रिटिसाइज करने वाला, मतलब व्यंग कसने वाला टॉपिक पर, मतलब अच्छा से अच्छा तर्क वितर्क करने वाला, एंड ड्रामाटिस्ट, और एक अच्छा ड्रामाटिस्ट भी थे। ही वॉज अवार्डेड द नोबेल प्राइज फॉर लिटरेचर इन 1948, और उन्हें 1948 में नोबेल प्राइज से अवार्ड किया गया था। हिज बेस्ट नोन पोएम्स आर द वेस्ट लैंड, एस वेडनसडे एंड फोर क्वार्टर्स। उनका जो सबसे बेस्ट विख्यात कविताएं हैं उनमें है द वेस्ट लैंड, जो पोएम का नाम है, ठीक है, एस वेडनसडे एंड फोर क्वार्टर्स। ये तीन इनका सबसे बेस्ट माना जाता है। एज ए पोएट एंड स्पोक्स मैन फॉर हिज एज, ही ट्रूली रिप्रेजेंट द इंटेलेक्चुअल सोशल एंड फिलोसफिकल मूड्स ऑफ द 20th सेंचुरी। एज ए पोएट, एक कवि होने के कारण, ठीक है, एज ए पोएट, कवि होने के कारण, एंड ए स्पोक्समैन, और स्पोक्समैन होने के कारण, फॉर इज एज, अपने समय में, ही ट्रूली रिप्रेजेंट्स, वो वास्तविकता में रिप्रेजेंट करते हैं द इंटेलेक्चुअल, मानसिक, सोशल, सामाजिक एंड फिलोसफिकल मूड्स ऑफ द 20th सेंचुरी। 20वीं शताब्दी का जो सामाजिक और जो मानसिक स्थिति था और जो फिलोसफिकल स्थिति था, मूड्स थे हम लोगों का, उसके बारे में ये रिप्रेजेंट करते हैं। द प्रेजेंट पोयम मैकेविटी द मिस्ट्री कैट, ये जो अभी जो पोयम है मैकेविटी द मिस्ट्री कैट, इज फ्रॉम हिज कलेक्शन कॉल्ड ओल्ड पॉशम्स बुक ऑफ प्रैक्टिकल कैट्स। ये एक कविता है, ठीक है, उनके कलेक्शन, एक कलेक्शन रखे हुए थे जिस कलेक्शन का नाम था ओल्ड पॉसम्स बुक ऑफ प्रैक्टिकल कैट्स। उसमें कैट्स के बारे में ही वो लिखे हुए थे और उसी में से एक कलेक्शन है। विच वॉज मेड इन टू अ वेरी सक्सेसफुल म्यूजिक ऑन स्टेज बाई द ग्रेट कंपोजर सर एंड्रयू लॉयड वेबर, जो कि एक बहुत ही सफल म्यूजिक संगीत बनाने वाले ने इस पर एक म्यूजिक बनाया था, ठीक है, और उस कंपोजर का नाम था सर एंड्रयू लॉयड वेबर। इट इज अ लाइट पोएम इन द मॉक हीरोइक वेन। ये एक बहुत ही लाइट पोएम है एक हीरोइक वेन में, ठीक है, मतलब कि इसमें जो कैट है, बिल्ली है, उसको एक बहुत बड़ा पावर है, जो कोई भी काम करता है लेकिन वो पकड़ा नहीं जाता है। अलग ही रहस्यमय तरीका का पावर उसके पास है, ठीक है, वो सारे लॉ को फेल कर देता है, वो सारी चीजों से ऊपर है, स्टेप्स है हीरोइक तरीका से, ठीक है, जैसे हीरो कुछ भी करने में संभव होता है फिल्म में, वैसे ही इसमें भी।
इट डज नॉट नीड एनी सोलेमन और डिटेल एनालिसिस। इसको खुद कोई मतलब अकेला या फिर कोई डिटेल एनालिसिस का जरूरत नहीं है। इट्स चार्म्स कम्स फ्रॉम इट्स नीट राइम्स एंड गैलोपिंग रिदम। और इसका जो चार्म्स है, इसमें जो खूबसूरती है, वो इसका साफ सुथरा जो रिदम है, ठीक है, और इसको जो राइम्स है उससे आते हैं। एज वेल एज द कॉमिक इफेक्ट ऑफ अ मॉन्स्टर क्रिमिनल हु इज इन फैक्ट अ कैट। और उसके साथ साथ एक जो इसमें का एक कैरेक्टर है, एक कैट है, वो कॉमिक इफेक्ट उसका जो दिखाया जाता है उससे भी, जो कि वास्तविकता में एक बिल्ली है, तो उससे भी इसका चांस बढ़ता है। तो चलिए अब इसका थोड़ा समरी देखते हैं, ठीक है। तो हाँ, समरी कुछ ये है, मैकेवेटी द समरी ऐसे लिखिएगा कि ये पोएम किसके द्वारा लिखा गया हुआ है, ठीक है, किस प्रकार का पोएम है। तो मैकेवेटी द मिस्ट्री कैट इज अ रिमार्केबल लाइट पोएम, एक लाइट पोएम है, ठीक है, इन द फॉर्म ऑफ सॉरी इन द फॉर्म ऑफ मॉक हीरोइक वेन कंपोज बाई ए ग्रेट मॉडर्न पोएट एंड क्रिटिक टी एस एलॉय। इसके जो राइटर है, पोएट है, वो कौन है? टी एस एलॉय। तो आप कोई भी पोएम का समरी लिखिए तो कम से कम पहले ये लिखिए, दिस पोएम इज रिटन बाई पोएट का नेम, ठीक है। मैकेविटी इज द नेम ऑफ द पोएट्स ओन टेम कैट। मैकेविटी जो है वो पोएट के, कवि के अपना पालतू बिल्ली का नाम है। द पोएट डिस्क्राइब्स दैट मिस्चीवियस टेम क्लीवर कैट इन ए मॉक हीरोइक वे। पोएट और जो कवि है वो उस चालाक सा पालतू बिल्ली को मतलब डिस्क्रिप्शन देते हैं एक हीरोइक तरीका से, एक हीरो के तरीका से, ठीक है। मैकेविटी इज नोन नो मैकेविटी नोज थाउजेंड्स एंड वन ट्रिक टू कमिट ए क्राइम। मैकेविटी हजारों तरीका जानता है कोई भी प्रकार का क्राइम करने के लिए, बदमाशी के लिए, ठीक है। इट कमिट्स मेनी क्राइम्स एंड फ्लीज एंड इट एक्ट एज इफ इट वेयर अ मास्टर क्रिमिनल, ठीक है। ये बहुत सारे क्राइम्स करते हैं, बहुत सारे उदंडपना करते हैं और वहां से निकल पड़ते हैं, फ्लीज मतलब चुटकी में गायब हो जाना, गायब हो जाते हैं, और ऐसा एक्ट करते हैं, ऐसा एक्टिंग करते हैं जैसे कि मास्टर है क्रिमिनल में, ठीक है। इट नेवर लिव्स बिहाइंड एनी क्लूज ऑफ इट्स क्राइम। और ये कोई भी कांड करने पर, कोई भी मतलब क्राइम करने पर, कोई भी गलती करने पर कोई भी क्लू नहीं छोड़ते हैं, ठीक है, जिससे पता चले कि ये क्राइम इन्हीं इसी ने किया है। सो इट इज नेवर कॉट रेड हैंडेड। और इसलिए वो कभी भी रंगे हाथ नहीं पकड़ा गया। इट गोज एवरीवेयर बट नोबडी नोज इट्स एक्टिविटी। ये सभी जगह जाता है लेकिन इसका एक्टिविटी कोई नहीं जानता है। इट चीट्स एज कार्ड्स टू एवरीवन। और ये जगह पर ही किसी से भी, किसी को भी चीट कर सकता है, किसी को भी मतलब ये कर सकता है, झूठला सकता है, किसी को भी धोखा दे सकता है। अकॉर्डिंग टू द पोएट कवि के हिसाब से इट इज वेरी क्लीवर, बहुत चालाक है, टॉल एंड थीन विद सनकेन सनकीन आईज। और बहुत लंबा और पतला है, आंख धंसा हुआ है या फिर सूर्य की तरह चमकने वाला आंख है। इट्स हेड इज हाईली डोम्ड एंड इट्स विस्कर्स आर अनकम्बर्ड अनकम्ब्ड। इसके जो सर है वो गुंबज की तरह है, ठीक है, और इसका जो मूछे हैं विस्कर्स, वो बिना कंघी किया हुआ है, मतलब काफी खड़ा खड़ा। द कलर ऑफ इट्स बॉडी इज डस्टी। इसका जो बॉडी का कलर है वो डस्टी है, ठीक है, मतलब मिट्टी का डस्ट के कलर का है। इट मूव्स लाइक ए स्नेक, सांप की तरह से चलेगा एकदम शांति से। एंड सीम्स दैट इट स्लीप बट इट इज ऑलवेज अवेक। और ऐसा लगता है जैसे कि ये सो रहा है लेकिन हमेशा ये जगा हुआ रहता है। इट इज अ डेविल इन द फॉर्म ऑफ अ कैट। ये बिल्ली के रूप में एक दानव है, ठीक है। इट्स क्राइम एरिया इज वेरी ब्रॉड। और इसका जो क्राइम करने का जो
क्षेत्र है वो काफी बड़ा है। वेरी वेरी इट गोज, जहां भी जाए इट ट्राइज टू स्टील समथिंग, कुछ ना कुछ वहां से चुराने का कोशिश करता है, जैसे कि ड्रिंकिंग मिल्क, दूध पीने वाला दूध, स्टील्थली स्टीलिंग मीट, मीट जो होता है मतलब चिकन वगैरह ये सब, अवे फ्रॉम द मीट सेफ, मीट सेफ से किचन में से, स्टीलिंग जेवल्स, ज्वेलरी कहीं रखा हुआ उसको गायब कर देता है, फिल्स विद द इम्पोर्टेंट ट्रीटीज, किलिंग चिकन, मुर्गी है उसको मार देता है, ब्रेकिंग ग्लासेस, ग्लास तोड़ देता है, एंड रन सब, और वहां से भाग जाता है। ठीक है, तो इस हिसाब से कोई भी कांड करता है लेकिन पता नहीं चलने देता कि ये किया है। ठीक है, तो यही है कि एक रहस्यमय बिल्ली के ऊपर एक हीरोइक वे में, कि बहुत ही ज्यादा मतलब एक फिक्स फिक्टियस पोयम है, ठीक है, फिक्शन के रूप में। तो चलिए पोयम का लाइन बाय लाइन पढ़ते हैं और समझते हैं। ऐसे एज ए समरी ये याद रखना है, उस बिल्ली के बारे में थोड़ा डिस्क्राइब कर देना है और किसने लिखा है उसको बता देना है। ठीक है, दैट्स इट। सो मैकेविटी द मिस्ट्री कैट, मैकेविटी एक रहस्यमय बिल्ली, मैकेविटीज अ मिस्ट्री कैट, मैकेविटी जो है एक मिस्ट्री कैट है, ही इज कॉल्ड द हिडन पॉ, और उसे एक हिडन पॉ भी कहा जाता है, छुपा रुस्तम। ठीक है, फॉर ही हैज द मास्टर, फॉर ही इज द मास्टर क्रिमिनल हु कैन डिफाई द लॉ, और वो एक मास्टर क्रिमिनल है, क्रिमिनल के रूप में मास्टर है, हु कैन डिफाई, जो कि किसी भी कानून को तोड़ सकता है, डिफे मतलब तोड़ना, डिसोबे मतलब लॉ को तोड़ना, आज्ञा को पालन नहीं करना। ठीक है, ही इज द बैफलमेंट ऑफ स्कॉटलैंड यार्ड, स्कॉटलैंड यार्ड का वो मतलब पूरा क्षेत्र जानता है, द फ्लाइंग स्क्वाड्स डिसअपीयर। ठीक है, फॉर वेन देर इज द सीन ऑफ क्राइम, मैकेविटी इज नॉट देयर, और पूरा जो स्क्वायर है पूरा में वो उगता हुआ दिखेगा इधर उधर, लेकिन जैसे ही कोई क्राइम होगा, कोई घटना घटेगा, मैकेविटी वहां पर मिलेगा ही नहीं, वो बिल्ली वहां पर मिलेगा ही नहीं। मैकेविटी मैकेविटी देर इज नो वन लाइक मैकेविटी, सभी जगह मैकेविटी मैकेविटी हो रहा है और सब कह रहे हैं कि इसके जैसा कोई नहीं है। ही हैज ब्रोकन एवरी ह्यूमन लॉ, उसने सारे आदमी के नियम कानून को तोड़ दिया है, ही ब्रेक्स द लॉ ऑफ ग्रेविटी, और ग्रेविटी के गुरुत्वाकर्षण के लॉ को भी तोड़ दिया है, हिज पावर्स ऑफ लेविटेशन वुड मेक अ फकीर स्टेयर। ठीक है, और उसका जो पावर है लेविटेशन का मतलब क्राइम करने का, जो बहुत बड़ा लेवल का पावर है, वो फकीर को भी मतलब जो गरीब से गरीब लोग होते हैं ना भिखारी, उनको भी चौकन्ना करने के लिए काफी है। एंड वेन यू रीच द सीन ऑफ क्राइम, और जैसे ही तुम क्राइम के सीन पर जाओगे, मैकेविटी इज नॉट देयर, मैकेविटी वहां पर नहीं मिलेगा, यू मे सी हिम इन द बेसमेंट, यू मे लुक अप इन द एयर, बट आई टेल यू वंस अगेन, वंस एंड वंस अगेन, मैकेविटी इज नॉट देयर। ठीक है, तुम मतलब बेसमेंट में उसे देख सकते हो, तुम उसको हवा में दिखोगे इधर उधर घूमते हुए उठते हुए, लेकिन मैं फिर से कह रहा हूँ मैकेविटी तुमको कहीं नहीं दिखेगा क्राइम के जगह पर। ठीक है, मैकेविटी इज अ गिंजर कैट, ही इज वेरी टॉल एंड थिन, मैकेविटी जो है गिंजर कैट है, मतलब जो काफी लंबा और पतला है। यू वुड नो हिम इफ यू सो हिम, अगर तुम उसे देखे हो तो तुम उसके बारे में जानोगे, फॉर हिज आईज आर संकेन इन, उसकी जो आंखें हैं वो थोड़ा मतलब चमकीला टाइप का है, हिज ब्रो इज डीपली लाइन विद थॉट्स, और उसका जो आईब्रो है वो एकदम डीपली लाइन है, लगा एकदम सोच में डूबा हुआ है, हिज हेड इज हाईली डोम्ड, और उसका जो सर है वो गुंबज की तरह है, हिज कोट इज डस्टी फ्रॉम निग्लेक्ट, और उसका जो शरीर का ये है का रंग है वो डस्टी है, डस्ट कलर का है। ठीक है, हिज विस्कर्स आर अनकॉम्ब्ड, और उसके जो ये है मूछे हैं जो विस्कर्स है, ठीक है, वो अनकॉम्ब्ड है मतलब बिना कंघी किया हुआ एकदम खड़ा खड़ा, ठीक है, इधर उधर उधर, ही स्वेज हिज हेड फ्रॉम साइड टू साइड, वो अपने हेड को साइड टू साइड इधर से उधर करता है, विथ मूवमेंट लाइक अ स्नेक, जैसा कि मानो सांप रेंग रहा हो, एंड वेन यू थिंक ही इज हाफ एस्लीप, ही इज ऑलवेज वाइड अवेक, और जब जब भी तुम्हें लगेगा कि आधा सो रहा है, वो हमेशा जगा हुआ मिलेगा। मैकेविटी मैकेविटी देर इज नो वन लाइक मैकेविटी, फॉर ही हैज फाइंड इन फेलिन सेव अ मॉन्स्टर ऑफ डिप्रेविटी। ठीक है, मैकेविटी मैकेविटी मतलब सभी जगह कहीं पर भी तुमको मैकेविटी जैसा कोई नहीं है, है सभी जगह लेकिन इसके जैसा कोई नहीं है, फॉर हिज फ्लाइट इन फ्लेइंग फेलिन सेव, फ्लिंट एंड फेलिन
फ्लिंट का मतलब क्या होता है? फ्लिंट मतलब एन इविल स्पिरिट, जिसका जो आत्मा है वो दानव की तरह कोई भी चीज नोच कर खा जाना, छीन लेना, ठीक है, उस टाइप का। एंड फिलिन एन एनिमल ऑफ द कैट फैमिली, एक जानवर है जो कि बिल्ली का समुदाय से है। फिलिन अ मॉन्स्टर ऑफ डिप्रेविटी, और एक दानव है, ठीक है। यू मे मीट हिम इन अ बाई स्ट्रीट, वो गलियों में भी मिल जाएगा। यू मे सी हिम इन द स्क्वायर, तुम उसको स्क्वायर में भी, जो बेसमेंट होता है मतलब जो घर के आगे जो क्षेत्र होते हैं फील्ड, उसमें भी तुमको दिखेगा। बट व्हेन अ क्राइम इज डिस्कवर्ड देन मैक्यूबिटी इज नॉट देयर, इन जैसे ही कोई क्राइम होगा वहां पर मैक्यूबिटी नहीं मिलेगा। ही इज आउटवर्डली रिस्पेक्टेबल, वो बाकी सभी जगह रिस्पेक्टेबल है, मतलब तो उसकी बहुत रिस्पेक्ट होती है। एंड हिज फुटप्रिंट्स आर नॉट फाउंड इन एनी फाइल ऑफ स्कॉटलैंड यार्ड, और उसका जो फुटप्रिंट है कि वही क्राइम किया है वो स्कॉटलैंड के किसी भी यार्ड में तुमको नहीं मिलेगा। एंड व्हेन ही व्हेन द लार्डर्स लूटेड, लार्डर्स मतलब जहाँ पर खाने का सामान रखा था, उसकी अगर लूट हुई है, और द ज्वेल केस इज राइफल, और ज्वेल का केस जो है वो फाइल हुआ है, ठीक है। और व्हेन द मिल्क इज मिसिंग, या फिर अगर दूध कहीं गायब है, और अनदर पीकेस बिन स्टेप स्टाइफल, और या फिर कहीं दूसरी जगह का मतलब मीट स्टाइफल्ड, स्टाइफल मतलब सफोकेटेड, मतलब दबोचा गया है, ठीक है। तो और द ग्रीन हाउस ग्लास इज ब्रोकन, चाहे कहीं का ग्लास टूटा है। एंड द ट्रेल इज पास्ट रिपेयर, ठीक है। आह देयर इज द वंडर ऑफ द थिंग्स, मैकेविटी इज नॉट देयर, बहुत सारे ऐसे काम तुमको दिखेंगे जो हो रहे हैं, लेकिन तुमको कहीं पर भी काम कांड होने के बाद मैकेविटी नहीं दिखेगा। इस टाइप का ये मॉन्स्टर है, ठीक है। एंड वेन द फॉरेन ऑफिस फाइंड अ ट्रीटीज गॉन स्ट्रे, और द एडमायरेटली लूज सम प्लांट्स एंड ड्रॉइंग बाई द वे, देर मे बी ए स्क्रैप ऑफ पेपर इन द हॉल और ऑन द स्ट्रेयर, बट इट्स यूजलेस टू इन्वेस्टिगेट, मैकेविटी इज नॉट देयर, ठीक है। और जब भी कोई फॉरेन ऑफिस को कोई खजाने के बारे में पता चलता है, या फिर कोई प्लांट्स जो है वो गायब होते हैं, ठीक है, तो पेपर का एक स्क्रैप, देर मे बी ए स्क्रैप ऑफ पेपर्स, पेपर्स तुम्हें मिल सकते हैं हॉल में या फिर सीढ़ियों पर, लेकिन ये इन्वेस्टिगेट करना यूजलेस है, क्योंकि वहां पर मैकेविटी तुमको मिलेगा ही नहीं। इस प्रकार का ये डेमन है, इस प्रकार का ये राक्षस है, ठीक है। एंड व्हेन द लॉस हैज बीन डिस्क्लोज्ड, और जैसे ही वो लॉस जो है, जो नुकसान हुआ उसको बंद कर दिया जाए द सीक्रेट सर्विस से, तो वहाँ का जो सीक्रेट एजेंसी होता है, सर्विस होता है, वो कहेगा कि इट मस्ट हैव बीन मैकेविटी बट ही इज अ माइल अवे, तो वो कहेंगे कि ये जरूर मैकेविटी का ही काम है, लेकिन अगर तुम वहां पर देखोगे तो वहां से मीलों दूर रहेगा मैकेविटी, उसके आसपास मिलेगा भी नहीं। यू विल बी श्योर टू फाइंड हिम रेस्टिंग और ए लिकिंग ऑफ हिज थम्स और इंगेज इन डूइंग कॉम्प्लिकेटेड लॉन्ग डिविजन सम्स, तुम उसको जरूर कहीं ना कहीं आराम करते हुए देखोगे, कहीं ना कहीं अपने ऊंठा करते हुए देखोगे, या फिर कुछ डिविजन मल्टीप्लीकेशन ये सब करते हुए दिखोगे देखोगे। मैकेविटी मैकेविटी, देर इज नो, देर इज नो वन लाइक मैकेविटी, देर नेवर वॉज अ कैट ऑफ सच डिसाइटफुलनेस एंड श्योरिटी, ठीक है। मैकेविटी मैकेविटी, यहाँ पर कोई भी नहीं है मैकेविटी जैसा, देर नेवर वॉज अ कैट, या यहाँ पर इससे पहले कोई भी ऐसा बिल्ली नहीं था जो कि इतना डिसाइटफुल और श्योरिटी था, इसका मीनिंग देखते हैं डिसाइटफुलनेस और श्योरिटी का, ठीक है। तो डिसाइटफुलनेस मतलब फ्रॉडलियसनेस, डिसऑनेस्ट मतलब बेईमान, और सविटी मतलब ग्रेट स्किल्स एंड इंटेलिजेंस मतलब ट्रेचरी है, ठीक है। डिसाइटफुलनेस है मतलब बेईमान है लेकिन बहुत स्किल्स के साथ, मतलब ऐसा नहीं कि पकड़ा जाएगा कि बेईमान है लेकिन पता नहीं चलने देगा, ठीक है। तो इससे पहले कोई भी ऐसा बिल्ली नहीं था। ही ऑलवेज हैज एन अलीबी एंड वन और टू टू स्पेयर, उसके पास हमेशा एक अलीबी रहता है और एक या दो वार्ता भी रहता है। एट वॉट एवर टाइम द डीड टुक प्लेस, मैकेविटी वॉज नॉट देयर, और किसी भी समय पर कांड हो मैकेविटी तुम्हें नहीं मिलेगा। अलीबी मीन्स जस्ट अ मिनट, एक्सक्यूज या डिफेंस, हमेशा उसके पास कुछ ना कुछ एक्सक्यूज रहते हैं, बहाने रहते हैं, ठीक है। और एक दो तो मिल ही जाएंगे, लेकिन तुमको कहीं भी, तुम किसी भी जगह पर कोई कांड हो जाए
उसमें उसका हाथ रहेगा लेकिन वो तुमको पता नहीं चलेगा। एंड दे से दैट ऑल द कैट्स हुज वीक डीड्स आर वाइडली नोन आर नथिंग मोर देन द एजेंट्स ऑफ द कैट हु ऑल द टाइम जस्ट कंट्रोल्स देयर ऑपरेशंस द नेपोलियन ऑफ क्राइम। ठीक है, और वो कहते हैं कि जो भी कैट्स हैं जो कि विकेड वाइडली नोस, ठीक है, मतलब जो इस सब कामों को करते हुए पता पता चलता है या फिर जाने जाते हैं, इस सब वजह से होता है ना, कोई गैंग का लीडर होता है तो उसके अंदर बहुत सारे गैंग के लोग होते हैं, तो इसी इस बिल्ली का भी बहुत सारा गैंग है। ठीक है, जो मतलब बहुत सारा कांड करते हुए पकड़े जा रहे हैं या फिर जाने माने हैं, जैसे कि मंगोजेरी या ग्रिडल बोन, ये सब कुछ भी नहीं है बल्कि ये इसी का मतलब मैकेविटी का एजेंट है जो इधर उधर काम करते रहते हैं। वो ऑल द टाइम जस्ट कंट्रोल देयर ऑपरेशन, वो अपने ऑपरेशन पर काम करते हैं जो ये डिसाइड करता है, द नेपोलियन ऑफ क्राइम, और ये क्राइम का नेपोलियन बोनापार्ट है। ठीक है, नेपोलियन है तो वही है, इसका मतलब अकेला भी नहीं है, इसके अंदर भी बहुत सारे एजेंट काम करते हैं। तो इस हिसाब से उन्होंने एक बिल्ली को एक मॉन्स्टर का रूप दिया है और उसको एक फिक्सियस रहस्यमय कहानी की तरह मिस्टीरियस रहस्यमय बिल्ली बताया है। ठीक है, तो अब देखते हैं ट्रू फॉल्स। ठीक है, तो मैकेविटी इज एन ऑर्डिनरी कैट, नो, ऑर्डिनरी मतलब होता है जनरल, तो क्या वो जनरल बिल्ली था? नहीं, वो एक मिस्टीरियस था, रहस्यमय था, कोई भी कांड करता था लेकिन किसी को हाथ नहीं लगता था। उसके बाद मैकेविटी इज एन आउटलॉ, मतलब वो लॉ से बाहर था, हाँ, वो कोई भी नियम कानून तोड़ देता था, पता भी नहीं चल देता था। तो ये ट्रू होगा, पहला वाला फॉल्स, दूसरा वाला ट्रू। मैकेविटी इज ऑलवेज देयर ऑन द सीन ऑफ क्राइम, क्या वो क्राइम के सीन पर रहता था? नहीं, बिल्कुल नहीं रहता था, तो ये फॉल्स होगा। डी में है, मैकेविटी कैन बी फाउंड इन द बेसमेंट, बेसमेंट में मिलेगा? हाँ मिल जाएगा, तो ये ट्रू होगा। द पोएट फाइंड्स मैकेविटी लेजी एंड हाफ स्लीप, क्या कवि को वो मैकेविटी जो है वो आलसी और हाफ स्लीप लगता था? हाँ लगता तो था लेकिन कभी भी वो रहता नहीं था, तो ये भी ट्रू है। ठीक है, लेकिन वो हमेशा जगा रहता था। इट कैन बी सीन इन द बाई स्ट्रीट, बाई स्ट्रीट में मिलेगा? हाँ मिल जाएगा, तो ये भी ट्रू है। मोंगोजेरी एंड ग्रिडल बोन आर ऑल्सो कैट्स, हाँ वो भी इसके एजेंट्स है। द पोएट इज रियली एंग्री विद द मैक्यूटी, एंग्री तो है, गुस्सा तो होंगी, लेकिन वो बहुत सफाई से काम को करता है, पता नहीं चलने देता है, तो कह सकते हो ट्रू। द पोएट कंपेयर्स मैक्यूटी टू नेपोलियन, तो हाँ नेपोलियन से ही उसको कंपेयर किया गया है, ये भी ट्रू है। उसके बाद आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन ब्रीफली, व्हाई डज द पोएट कॉल मैक्यूटी ए मिस्ट्री कैट, बिकॉज इट्स डू क्राइम बट इट्स नेवर कम इन पिक्चर, ही नेवर कम्स इन पिक्चर, दैट्स व्हाई ही इज मिस्टीरियस। सेकंड, व्हाट आर द एडजेक्टिव्स दैट हैव बीन फाउंड यूज्ड टू डिस्क्राइब मैक्यूटी कैरेक्टर, कौन कौन सा एडजेक्टिव यूज हुआ है, जैसे कि गिंजर, डोम्ड, ठीक है, फेलिन, ये सब एडजेक्टिव यूज हुआ है इनको डिस्क्राइब करने में। उसके बाद व्हाट इज मैक्यूटीज टर्म अ क्रिमिनल, मतलब क्रिमिनल से क्या टर्म है, मतलब तो ये बहुत सारे क्राइम करते हैं बट उसको पता नहीं चलने देते हैं। सो लाइक मैक्यूटी यूज टू डू अ लॉट ऑफ क्राइम्स लाइक स्टीलिंग द मिल्क, टेकिंग अवे द चिकन, और लाइक किलिंग द चिकन एंड नॉट इवन गेट फाउंड एट द टाइम ऑफ क्राइम सीन, तो दैट्स वाई इट्स टर्म एज क्रिमिनल। व्हाट इज सजेस्टेड बाई द फ्रेज पावर ऑफ लिमिटेशन, पावर ऑफ लिमिटेशन से क्या पता चलता है, मतलब इसके पास पावर है जो बहुत बड़ा पावर है, बहुत शक्तिशाली है। ठीक है, तो पावर ऑफ लिमिटेशन मीन्स अनलिमिटेड पावर। ठीक है, व्हाट वुड यू डू इफ अ कैट इंटर्स योर किचन, तुम क्या करोगे अगर किचन इंटर करे, मतलब एक बिल्ली जो है किचन में इंटर करेगा, वुड यू कीप अ कैट एज ए पेट, क्या तुम एक बिल्ली को पालतू बनाकर रखोगे? हाँ रखते हैं, सबका अपना अपना पर्सनल चॉइस है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन से कुछ लेना देना नहीं है, ये आपका पर्सनल चॉइस है। सो दैट्स इट फ्रॉम दिस चैप्टर, एंड इसको आप लोग पढ़िएगा, और मैंने समझा दिया है तो जो तो बिल्ली का नाम है उसको याद रखिएगा, और समरी कम से कम 10 लाइन लिखने का आना चाहिए, और उसके बाद क्वेश्चन आंसर ट्रू फॉल्स बना लीजिएगा खुद से, उसको अपने से लिख लीजिएगा। सो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए।
बाय, टेक केयर।